नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और हरिद्वार के हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज इस कार्यक्रम में कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दूसरे दिन की बात की जाए तो ओम बिरला, केरल के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शिरकत करेंगे। और इसके साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज इस कार्यक्रम में जाएंगे। 3 दिवसीय दिव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इससे पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आरएसएस के स्वयंसेवक भी मौजूद थे और इसी के साथ रामदेव बाबा भी आश्रम पहुंचे थे, हरिहर आश्रम, जहां पे इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया था। तो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई दिग्गज एक एक करके इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं और 3 दिवसीय दिव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज क्या कुछ खास रहने जा रहा है, क्योंकि आज भी कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। विकास संपर्क टूट गया है विकास से, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो मनोज सिन्हा भी आज शिरकत करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। 3 दिवसीय ये दिव्य महोत्सव हो रहा है और ऐसे में बता दें कि हरिहर आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी राजनाथ सिंह इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। केरल के राज्यपाल भी शिरकत करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो सीएम धामी राजनाथ सिंह आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें आपको कि सीएम धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, कितना खास आज का कार्यक्रम? देखिए, आज ये 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्म महोत्सव यहाँ पर हरिद्वार के हरिहर आश्रम में चल रहा था, जिसका आज अंतिम दिन है, जिसमें आज काफी सारे वीआईपी यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। जिसके बाद माननीय जो राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी दोपहर के बाद यहाँ पर पहुंचने की सूचना यहाँ पर मिल रही है। हालांकि उनका भी प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन इसके साथ साथ ओम बिरला भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और जो केरल के राज्यपाल हैं उनके भी यहाँ पर पहुंचने की अब से थोड़ी देर में ही सूचना है। तो कह सकते हैं कि काफी वीवीआईपी का मूवमेंट हरिद्वार में रहने वाला है, जिसमें देखिए जो आध्यात्मिक महोत्सव है, जिसको यहाँ पर जो स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज हैं, उनको जूना पीठ की जो आचार्य महामंडलेश्वर, उनके पद बनने की जो 25वीं वर्षगांठ है, उसके यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ साथ गुरुकुल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी कई सारे वीआईपी आज हरिद्वार में रहने वाले हैं, जिसमें माना जा रहा है कि जो राजनाथ सिंह हैं वो यहाँ के बाद गुरुकुल यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी हरिद्वार में पहुँचेंगे, उससे पहले वो हरिहर आश्रम में यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद उनके गुरुकुल जाने की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है।
कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा दिन यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट हरिद्वार में रहने वाला है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस समय कार्यक्रम में शिरकत यहाँ पर कर रहे हैं। जी सुरक्षा के क्या इंतजाम है, जब इतने वीवीआईपी पर्सन पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ खास इंतजाम नजर आ रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से 3 दिवसीय कार्यक्रम था, पहले दिन की शुरुआत चाहे हरिद्वार में हरिहर आश्रम में हो चाहे गुरुकुल यूनिवर्सिटी में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें सबसे पहले दिन उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे थे, जिनकी सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। साथ साथ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे और आज तीसरे दिन भी यहाँ पर जो वीआईपी है उनका जमा यहाँ पर हरिद्वार में रहने वाला है, तो इसके लेकर काफी सुरक्षा के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। चाहे रूट डायवर्जन की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से कहीं भी जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए जितने भी आउटर हैं वहाँ पर ही जो बड़े वाहन हैं उनको वहाँ पर रोका गया है। वीवीआईपी मूवमेंट होने के बाद ही उनको वहाँ से छोड़ा जाएगा, ताकि शहर के बीच किसी भी तरह की जाम की स्थिति ना बन पाए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी की गई है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास पास या उसकी पहचान चित्र नहीं पहचान पत्र नहीं है उसको कार्यक्रम में भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। जी तो अभी कौन कौन पहुंचा है और कितनी देर में तमाम दिग्गज पहुंचने वाले हैं? देखिए अभी सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पर हरिहर आश्रम में पहुंचे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री करीबन 12 बजे के आसपास यहाँ पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ पहुंचेंगे उनको रिसीव करने के लिए यहाँ से निकलेंगे, जिसके बाद ओम बिरला जिस तरह से वो पहुंचेंगे उनका भी स्वागत मुख्यमंत्री यहाँ पर हेलीपैड पर करेंगे, जिसके बाद जो जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जाएगा। चाहे केरल के राज्यपाल हों या जम्मू एंड कश्मीर के जो तरह से उपराज्यपाल भी हरिद्वार में यहाँ पहुंच रहे हैं और दोपहर 3 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और कार्यक्रम में अभी इस समय प्रतिभाग कर रहे हैं। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखिए आप। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 99वीं जयंती है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने श्रद्धांजलि देते हुए एक फोटो शेयर करते हुए अटल जी की कविता लिख उनको याद किया। उन्होंने लिखा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शासकीय आवास पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से अलंकृत श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने मृतक आश्रित कोटे से नौकरी का इंतजार कर रहे ही 195 लोगों को मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति का रास्ता खोलते हुए इन पदों पर लगी रोक हटा दी गई है। गौरतलब है कि उत्तराखंड परिवहन निगम आश्रित कोटे के 195 पदों को 217 में फ्रीज कर दिया गया था और सभी लोग लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे थे। इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हुए मृतक आश्रितों की। इस मसले को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों से वार्ता भी हुई थी, जिसके बाद निगम ने शासन को इन पदों को अनफ्रीज करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसको कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई, जिसमें अब मृतक आश्रितों को नियमित नियुक्ति मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए चमोली के लांस नायक वीरेंद्र सिंह और कोटद्वार के राइफलमैन
गौतम कुमार को श्रद्धांजलि दी। दोनों ही जवानों का पार्थिव शरीर आज देहरादून पहुंचा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां से दोनों की शहीदों को पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया गया, जहां दोनों ही शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर भाजपा की रणनीति को उजागर करते हुए कहा कि भाजपा हर नेता का मूल्यांकन करती है और उसके बाद ही उसे पार्टी में शामिल करने का काम करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के ऐसे बूथ कार्यकर्ताओं पर भी पार्टी की नज़र है, जो कर्महर्ता के साथ जनता के बीच अपना जुड़ाव रखते हैं और जनहित के कामों में सहयोग करते हैं। आपको बता दें कि आगामी चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अभी से ही कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं पर नज़र बनानी शुरू कर दी है, जो जनता के बीच लोकप्रिय है और जनता के कामों को गंभीरता के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब करप्शन पार्टी बोली गई तो जो कांग्रेस में अच्छे लोग थे उनको भी लग रहा है कि यहाँ नहीं रहना है, इसलिए आ रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं उनका। और निश्चित रूप से कि हमने ये तय किया है कि बूथ स्तर से लेकर, तो आखिरकार मैंने जो बात पहले कही कि जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है, और बार बार बोल रहा हूँ, जनता का प्रेशर जनप्रतिनिधियों पे, वो जनता का प्रेशर है कि मोदी के खिलाफ मत जाओ, इसलिए सब लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। देहरादून के सशस्त्र धारा स्थित पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट में आग लग गई। बता दें कि घटना करीब सुबह 5:27 के करीब हुई है, जहां सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आगजनी की घटना के बाद फ्लैट में कोई भी मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। खबर अक्सर से है, जहां आसपास के इलाकों में इन दोनों कोहरे का प्रकोप चल रहा है। कोहरे के प्रकोप के चलते क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का कहर शुरू हो गया है। घने कोहरे का असर रेल व सड़क यातायात पर भी देखने को मिला है। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो गई है, तो वहीं ऐसी स्थिति में सड़क यातायात की भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण गाड़ियों में दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है। गाड़ियां दौड़ने के बजाय सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है। काशीपुर के ग्राम अजीतपुर में दो पक्षों में गोली चली है। इस दौरान दो युवकों को गोली लग गई। आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर दो पक्ष बीती देर रात आमने सामने भिड़ गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर पिरान कलियर से है, जहां तेज रफ्तार खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पुलिस और परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जमकर हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने डंपर में भी तोड़फोड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस बुलाई गई। SP देहात स्वपन किशोर, CO रोड की पलवी त्यागी, ASDM रुड़की समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझाया। पुत्र श्याम कुमार निवासी देवबंद
की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है एसडीएम साहब के द्वारा और हम सबके द्वारा, और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सबको मोर्चरी भिजवाया गया है। इस संबंध में इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि ये लोग तहरीर दें, अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर हरिद्वार से है, जहां सिटकुल पुलिस ने गांव हेतमपुर में जिसमें फिरोशी के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए दो महिलाओं और एक ग्राहक को दबोचा है, जबकि जिसमें फिरोशी के धंधे की सरगना महिला फरार होने में कामयाब रही। पुलिस के हत्थे चढ़ी महिलाएं लंबे समय से जिसमें फिरोशी के धंधे में लिप्त है। सीओ सदर की तरफ से आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और डोईवाला के रेशम माचरी गांव में खेत में हाथी का शव मिला। हाथी की मौत के मामले में खेत मालिक जगमोहन को वन विभाग रेंज बटकोट ने किया गिरफ्तार और जेल भेज दिया। आपको बता दें कि खेत मालिक ने खेतों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में बिजली का करंट छोड़ा था, जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हुई। जब हाथी को पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ तो वन विभाग ने वन और पशु संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी खेत मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट में जेसीबी ऑपरेटर की गवाही हुई। जेसीबी ऑपरेटर ने वनंतरा रिसोर्ट में तोड़फोड़ के राज खोले, जिसके बाद अंकिता भंडारी के पिता ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंकिता भंडारी के पिता ने विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए साथ ही मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं बीजेपी के विधायक का एक बार फिर नाम आने के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सस्पेक्ट तौर पर कहा कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और किसी ही चीज को दबाया नहीं जा सकता। देखिए, ऐसा ये जो प्रकरण हुआ है अंकिता भंडारी का, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय प्रकरण हुआ है और इससे पूरा शोक में है उत्तराखंड। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी चीज़ों को हम लोगों ने दबाया नहीं है। जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया, आर्य परिवार को हम लोगों ने तुरंत पार्टी से बहिष्कार किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और दूसरी बात, जब अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने वकील बदलने की बात करी तो निश्चित तौर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह मंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान चयनित 1376 अभ्यर्थियों में से 200 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए, बाकी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारी लगन और कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, साथ ही विकास और जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और अधिक जागृत करने का काम और अधिक ऊर्जा प्रदान करने का काम हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, यानी कि उनके शब्द सदियों बाद भी उतने ही सार्थक है जितने तब थे। आज भी आपका धर्म वैभव संपदा ये सब अर्थहीन है यदि आप संतों और गुरुजनों की वाणी को नहीं सुनते और उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक संत जिन्होंने, जिनके बारे में अभी चौहान जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, प्रत्येक संत को जिन्होंने सनातन संस्कृति के तरह के नाते अपने जीवन को समर्पित किया है,
लगातार इस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी का जो व्यक्तित्व है वो उसमें एक चुंबकीय शक्ति है और जो भी आपसे एक बार मिल लेता है वो हमेशा के लिए वो आपके साथ हो जाता है संपूर्ण जीवन भर के। और मैं समझता हूं कि अभी चौहान जी कह रहे थे बार बार चौहान जी पूछते उत्तर कर रहा हूँ तो मेरे मन में भी वही विचार आ रहे थे तो चौहान जी भी मन में आ रहे थे और मैं चौहान जी को और सुनना चाहता था लेकिन आज चूंकि उत्तराखंड का मैं मुख्य सेवक हूँ और आज के आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी इसलिए अनेकों अनेक कार्यक्रम पहले से भी निर्धारित है उन सभी में भी प्रतिभाग करना है। इसलिए क्योंकि मैं पूज्य आचार्य जी से मैंने पहले ही कहा था अन्यथा अच्छा होता कि हम लोग उनका जो उद्बोधन है वो सुनते रहिए जितनी देर चौहान जी आपको तो सब सनातनी लोग हैं सब राम भक्त भी हैं सब राज भक्त भी है आप जितनी देर बोलेंगे उतनी देर लोगों को अच्छा लगेगा। तो आपको पूज्य स्वामी जी को आचार्य जी को 1998 में जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया था तब से अब तक लगभग आपने 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा दी है। आपने हमेशा मूल्यों और विचारों को आकार देने का कार्य किया है जो निश्चित रूप से युगों युगों तक मानवता के पाथे के लिए कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है आज का ये दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव जो लगातार पिछले दो तीन दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत चैन पर देश भर के लोगों का आना जाना है बड़े बड़े हमारे कुछ संतगण भी आ रहे हैं सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक जागरण का काम भी इस समारोह ने किया है और हमारी नई पीढ़ी का ये आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा मार्ग ये आपका ये जो आध्यात्मिक महोत्सव है ये आध्यात्मिक समारोह है ये नई पीढ़ी को प्रदत्त होगा। आज इस समारोह में हजारों बच्चों की हमारी महान और समृद्ध संत परंपरा के साक्षात दर्शन एक साथ हो रहे हैं। हमारी संत परंपरा किसी मत पंथ आचार विचार को फैलाने तक सीमित नहीं है हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए हमारे संत समाज ने प्राचीन काल से एक लंबा संघर्ष किया है इसी के कारण से हमारे धर्म की रक्षा हुई है। अभी श्रद्धेय दिनेश जी बोल रहे थे आज हम सब देख रहे हैं संतों का ही प्रताप है उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है और मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आज जो भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसमें भी हमारे संत समाज ने कैसी भूमिका निभाई थी हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं संत समाज का एकमात्र उद्देश्य प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और भारत को विश्व गुरु के पद पर फिर से आरोप करना है। समय समय पर हमारे संत समाज धर्म की रक्षा के लिए अपने को हमेशा निछावर करने का काम किया है और यह कार्य आचार्य श्री लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और समाज के उत्थान के लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा अत्यंत आवश्यक है और आचार्य श्री को मैंने देखा है कि कोरोना महामारी हो उसके समय में आगे आकर लोगों की सेवा करने का काम हो या मैं जिस क्षेत्र से सीमांत क्षेत्र से चंपावत से जहां से मैं विधायक हूँ वहां पर आचार्य श्री के द्वारा गरीब बच्चों के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हो विद्यालय संचालित करने का काम हो निश्चित रूप से एक ऐसे काम है जो समाज को लगातार पाथे देने का काम करते हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं हमारा धर्म किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं है बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे
विभिन्न मत मतदाताओं आस्थाओं विश्वास आदि का एक समुच्चय है, सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो मानव निर्मित नहीं है, वे इस सृष्टि में स्वमेव अस्तित्व में आए हैं, यह सृष्टि का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए सनातन है, जो पहले भी था अब भी है और हमेशा रहने वाला है, यही सनातन है। संन्यास परंपरा में आचार्य जी का दायित्व बहुत बड़ा है, आचार्य का कार्य है धर्म का अनुपालन करना, धर्म की रक्षा करना, इस कार्य को आचार्य सिंह ने पूरी निष्ठा के साथ किया है, पूरे समर्पण के साथ किया है, और केवल देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का अपने मार्ग दिखाने का काम किया है। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर तो अलग जगह ही है, दुनिया के अंदर अलग जगाने का काम किया गया है। गीता में कहा गया है नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपका ज्ञान, आपकी प्रेरणा हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी और हमें राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर करने में आपका पाथी हमेशा हम सबको प्राप्त होता रहेगा। हम सब जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक जागरण हो रहा है, सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है और सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। उसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे आज हम भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, या दिव्य काशी और भव्य काशी हमारे सामने आया है, उज्जैन का महाकाल हो या देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का नया मास्टर प्लान करना हो, या हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे का शिलान्यास हो, केदारनाथ जी के लिए रोप वे का शिलान्यास हो, चार धाम पर नजर हो रहे हो, जिस प्रकार से हमारे देव स्थानों को, और अभी अभी उत्तराखंड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो सीमांत क्षेत्र जोलिंग गांव में 18,000 फुट की ऊंचाई पर पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन होने की और पूरी दुनिया को इसको बताने का काम किया, जहां उत्तराखंड में केदारखंड हमारा तेजी से विकास की ओर बढ़ा है, चारों धाम बढ़े हैं, वही मानसखंड में भी आज जितने हमारे मंदिर हैं, जितने धार्मिक स्थान हैं, उन सभी का सर्किट बनाने का काम, उन सभी के नवनिर्माण का काम, एक मंदिर माला मिशन के रूप में बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ एक ओर जहाँ संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है, वही दूसरी ओर भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो और समूचे विश्व का मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। पूरा विश्व आज कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो एक समय था, हम सबको याद होगा कि बड़े बड़े मंचों पर भारत की तरफ से भारत के हितों की बात भी नहीं हो पाती थी, कोई भारत की बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अब कालखंड बदल गया। आप दुनिया के अंदर अगर कोई घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि नया भारत खड़ा हो गया। पिछले सालों में जब से मुझे मुख्य सेवक के रूप में ये जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है, तो हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं जो इन 23 वर्षों में राज्य स्थापना के बाद पहली बार लिए गए, जहां उत्तराखंड में हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया। हमारे भाई बहनों को, छात्र छात्राओं को पहले के समय में नकल का शिकार होना पड़ता था, पेन ड्राइव से नकल हो जाती थी, बड़े बड़े माफिया गिरोह सक्रिय थे, देश का सबसे कठोर नकल कानून बनाकर हमने इसको रोकने का काम किया है। वहीं धर्मांतरण के लिए हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान करके कठोर कानून बनाने का काम भी जो यही उत्तराखंड में किया है। और पहली बार मैं केंद्र सरकार के बीच में बताना चाहता हूँ कि हमने प्रयास करके
पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अगर हम जाते हैं, अगर हम ये कहें कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। उनको लगता है कि देवों की भूमि से आए हैं। तो इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। उसके लिए हमने जितना अतिक्रमण